हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आए मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। साइबर शाखा की कर्तव्य परायणता की बुद्धि पर एक साइबर ठगी का पर्दाफाश किया गया है, जहां आरोपियों ने नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के नाम पर सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और फिरियादी से पैसे ऐंठे थे। आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल 2 सितंबर को एक साइबर ठगी का मामला दर्ज किया गया था, जहां राजस्थान अलवर निवासी 3 आरोपियों ने नागपुर के 2 ज्येष्ठ नागरिकों से पैसों की ठगी की, जिसमें इन आरोपियों ने आयुक्त अमितेश कुमार के नाम पर फेक अकाउंट बनाया और संबंधित फिरियादी से संपर्क प्रस्थापित किया, जहां उन्होंने कुछ फर्नीचर के फोटो दिखाए और बताया कि मेरे सीआरपीएफ जवान दोस्त का तबादला होने के कारण वह फर्नीचर बेचना चाहता है, तो यदि आप फर्नीचर लेना चाहते हैं तो पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। जिसके चलते दोनों फिरियादियों ने विश्वास करते हुए अनुक्रम से 29,000 और 49,000 ऐसी राशि दिए गए अकाउंट में ट्रांसफर की। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब इस अपराध की मुख्य कड़ी रुकबुद्दीन साहबुद्दीन 28 वर्षीय को अलवर ककराली से हिरासत में लिया गया है, जो एटीएम से पैसे निकाल कर मुख्य आरोपियों को देता था और आगे की जांच जारी है। यामध्ये माननीय पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार सर यांचं फेक अकाउंट बनवण्यात आलं होतं आणि त्याच्यावरून फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवून 2 फिर्यादींची 2 विक्टीमचे फसवणूक झाली होती। आम्ही ह्या अगोदर हे जे आहे अलवर जिल्हा आहे राजस्थानमधला, इथून 3 आरोपी आणले होते त्याच्यामधले आणि त्यांना अटक केली होती, त्याच्यामध्ये आम्ही रिकवरीसुद्धा केली होती, परंतु त्याच्यामध्ये आणखी काही आरोपी बाकी होते। त्यातला एक आरोपी जो आहे त्याचं नाव आहे रुकमुद्दीन सहबुद्दीन, वय 28 वर्ष, हा राहणार ककराली जिल्हा अलवरमध्येच येतं, ह्याला आम्ही अटक केलेली आहे। हा याचा सहभाग त्याच्यामध्ये असा आहे की जो ATM विड्रॉ झालेले पैसे आहेत हा पुढे ते पुढे घ्यायचा आणि ते पुढे आरोपींपर्यंत पोचवायचा असा त्याचा सहभाग होता। हे काही 2-3 आरोपी त्याच्यामध्ये आम्हाला अजून सापडले नव्हते, तर त्यातला हा एक आरोपी मुख्य आरोपी आहे, तो आम्हाला सापडला। त्याच्यामध्ये हा गुन्हा घडला होता 2 सप्टेंबर 2023, त्यावेळेला फेसबुकचं फेक अकाउंट सीपी साहेबांचं बनवण्यात आलं होतं। त्यानंतर आम्ही तातडीने ॲक्शन घेऊन 3 आरोपी त्यावेळेला अटक केले होते। ह्या गुन्ह्यात ह्याचा सहभाग असा आहे की हा ATM विड्रॉल जे करतात त्याच्याकडून हा पैसा पुढे ट्रान्सफर करून घ्यायचा, हा त्याच्यामध्ये त्यांचे डिस्ट्रीब्युशन व्हायचं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।